हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6.4 ऑफ चैप्टर नंबर दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिविजन मैथड कौन सी मैथड से बोला है स्पेसिफिक मैथड का नाम दिया है स्टूडेंट्स डिविजन मैथड से इसको सॉल्व करो तो अप टू नाउ अप टू दिस वी हैव डिस्कस्ड टू मैथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट एक मैथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और दूसरी मैथड हमने पढ़ी प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड न अब ये थर्ड मैथड है किस चीज के लिए मैथड है ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैथड है कौन सी मैथड मैथड का नाम क्या है डिविजन मैथड तो डिविजन मैथड का यूज करके आपको रूट फाइंड करने हैं नीचे दिए गए सम के राइट फर्स्ट क्वेश्चन इज 2000 304. तो याद रखना स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड के अंदर आपको ये पहले नंबर लिख देना है एज इट इज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर द ग्रुप ऑफ टू डिजिट्स फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से आपको दो दो डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं तो यहां से ये पीछे से हमने ये दो डिजिट का एक ग्रुप बना दिया और ये सेकेंड ग्रुप बना दिया क्लियर है स्टूडेंट्स क्या किया पहली प्रोसीजर पहला स्टेप क्या है जो भी आपको नंबर दिया है उसके आपको दो दो डिजिट्स की पैर बनानी है और वो भी कहाँ से बनानी है पीछे से राइट right? ओके okay. अब स्क्वायर बोलते जाओ स्टूडेंट्स वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव जो ये फर्स्ट ग्रुप से क्या हो गया स्टूडेंट्स बड़ा हो गया तो अब किसका स्क्वायर लेंगे फोर का स्क्वायर तो फोर जा सिक्सटीन क्लियर है स्टूडेंट्स नाउ 23 में से 16 को माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या बचेगा सेवन क्लियर और ये पूरा का पूरा जो ऊपर ग्रुप है दो डिजिट का उसको हम नीचे उतार देंगे दैट इज जीरो फोर नीचे आ जाएगा क्लियर समझ में आ गया इतना अब हम क्या करेंगे यहां पे जो नंबर था फोर उसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा एट हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट right? क्लियर ओके okay. अब आपको यहां पे जो नंबर मिला उसका लास्ट डिजिट चेक करना है स्टूडेंट्स क्या करना है लास्ट डिजिट चलो लास्ट डिजिट क्या है इसका फोर तो हम जानते थे फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि वन से लेकर टेन तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं सो फोर जो है फोर फोर कौन से कौन से नंबर के स्क्वायर के पीछे आता है तो टू का स्क्वायर करेंगे तो भी फोर होगा और एट का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटी फोर तो उसमें लास्ट डिजिट क्या आया फोर तो जो फोर है वो कौन से नंबर के पीछे आता है या तो टू के पीछे आएगा या तो एट के पीछे आएगा क्लियर ओके अब यहां पे जो नंबर है आपके पास एट तो पहले हम टू लेंगे तो इसके साथ रखेंगे टू एटी टू को टू से मल्टीप्लाई करो चलो टू टू जा फोर फोर सॉरी टू एट सिक्सटीन तो क्या मिल रहा है वन सिक्सटी फोर हमें तो क्या लाना है सेवन हंड्रेड एंड फोर तो ये टू आ सकता नहीं है कैंसिल कर दो अब क्या लेंगे एट तो एट को मतलब एटी एट हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या करेंगे एट अगर हम इधर एट रखते हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा एट रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स राइट एट एटा सिक्सटी फोर सिक्स कैरी ऊपर एट एट ज़ा सिक्सटी फोर प्लस सिक्स दैट इज़ सेवेंटी तो यहाँ पे क्या रखेंगे स्टूडेंट्स एट रखा तो इधर भी क्या करेंगे एट अब एटी एट मल्टीप्लाई एट करना है तो एटी एट एटज़ा कितना मिलेगा सेवन हंड्रेड एंड फोर तो लास्ट में क्या मिला आपको जीरो क्लियर है स्टूडेंट्स देर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर इज इक्वल टू आपको आंसर क्या मिला ये फोर्टी एट दिस इज योर आंसर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज कॉल्ड डिविजन मैथड विच इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर राइट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4489 सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स ये नंबर लिख देंगे एज इट इज़ अब सबसे पहले क्या करने को बोला मैंने दो दो के ग्रुप बना वो भी कहाँ से पीछे से तो यहाँ से ये दो दो के डिजिट्स के ग्रुप्स हमने फॉर्म कर दिए क्लियर अब इसको बोल जाओ ये फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो स्क्वायर बोलते जाओ जब तक ये नंबर या इससे छोटा नंबर आए तब तक चलो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन तो इससे बढ़ जाता है क्या लेंगे सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स चलो माइनस करेंगे तो फोर्टी फोर में से थर्टी सिक्स माइनस करो स्टूडेंट्स कितना मिलेगा आपको एट मिलेगा क्लियर ऊपर से ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे उतार देंगे तो एटी नाइन नीचे आ जाएगा ओके okay. अब क्या करना है यहां पे जो नंबर है उसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा आपके पास ट्वेल्व क्लियर इतना ओके okay. अब समझो स्टूडेंट्स इसका लास्ट डिजिट चेक करो क्या है नाइन तो नाइन कौन से कौन से नंबर के स्क्वायर के पीछे आता है स्टूडेंट्स थ्री के स्क्वायर करें तो भी नाइन मिलेगा और सेवन का स्क्वायर करेंगे तो फोर्टी डिजिट क्या मिला आपको नाइन मिला राइट right? नाइन so, कौन से कौन से नंबर के पीछे आएगा थ्री और सेवन के पीछे चलो सबसे पहले ये ट्वेल्व है इधर हम थ्री रखेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा थ्री रखना पड़ेगा क्या रखेंगे स्टूडेंट्स इधर थ्री रखेंगे तो इधर भी थ्री रखना पड़ेगा तो इधर कौन सा नंबर हो जाएगा वन ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई इधर थ्री रखा तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे चलो थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री वन ज़ा थ्री तो थ्री सिक्सटी नाइन मिला हमें तो कितना लाना है एट एटी नाइन तो थ्री हम रख सकते नहीं हैं अब क्या रखेंगे सेवन चलो अगर हम इधर सेवन रखेंगे तो ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा सेवन तो वन ट्वेंटी सेवन सेवन जा करो सेवन सेवन ज़ा नाइन फोर कैरी सेवन टू ज़ा फोरटीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन कैरी वन ऊपर सेवन वन ज़ा सेवन सेवन प्लस वन एट आ गया आंसर तो इधर क्या रखेंगे स्टूडेंट सेवन और इधर भी सेवन तो वन ट्वेंटी सेवन सेवन ज़ा एट हंड्रेड एट्टी नाइन तो इन दोनों का आंसर क्या मिलेगा जीरो देर फॉर व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट फोर फोर एट नाइन इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या मिला आपको सिक्सटी सेवन सो दिस इज़ योर आंसर राइट ना मूविंग टू दर्ड क्वेश्चन दैट इज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी वन चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये नंबर लिख देंगे राइट right? फिर क्या करेंगे दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे पीछे से ओके नाउ स्क्वायर बोलना शुरू करो चलो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी फोर से बढ़ गया तो हम क्या क्या लिखेंगे फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव क्लियर नाउ थर्टी फोर में से ट्वेंटी फाइव को माइनस करो स्टूडेंट्स तो कितना मिलेगा आपके आपको आंसर नाइन मिलेगा क्या मिलेगा नाइन अब यहाँ पे जो नंबर है इसको इसके साथ क्या करवा देंगे प्लस तो फाइव प्लस फाइव क्या हो गया टेन ऊपर से ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे उतार दो तो एटी वन अब इसका लास्ट डिजिट चेक करो स्टूडेंट्स क्या है वन है तो स्क्वायर याद करो वन कौन से कौन से नंबर के स्क्वायर के पीछे आता है तो वन जो है वो वन के पीछे आएगा मतलब वन का स्क्वायर वन होगा और नाइन का स्क्वायर क्या होगा एटी वन क्लियर तो पहले वन हमारे पास दो ऑप्शन मिले वन और नाइन तो पहले वन रखेंगे कहाँ पे इधर और इधर दोनों तो इधर अगर वन रखो तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा वन हंड्रेड एंड वन और ऊपर भी वन रखूँगा तो वन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर क्या मिलेगा वन हंड्रेड एंड वन तो वन तो आ सकता नहीं है अब क्या रखेंगे स्टूडेंट्स नाइन रखेंगे तो यहाँ पे मैं नाइन रखूँ तो मुझे ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा नाइन रखना पड़ेगा चलो मल्टीप्लाई करके चेक करो वन हंड्रेड एंड नाइन नाइन सा एटी वन यहाँ पे एट का एट नाइन वन सा नाइन नाइन हंड्रेड एटी वन आ गया तो इधर हम क्या रखेंगे नाइन रखेंगे तो नाइन हंड्रेड एंड एटी वन माइनस करोगे तो जीरो ज़ीरो ज़ीरो देर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी वन इज़ इक्वल टू फिफ्टी नाइन क्लियर है स्टूडेंट्स सो दिस इज दी आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवीजन मेथड से हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट इज 529 अब समझना स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले क्या बोला दो दो डिजिट का ग्रुप बनाओ तो ये दो का बन गया और ये यहां पे अकेला बचा तो नो प्रॉब्लम इसको अकेला रहने दो चलो अब स्क्वायर बोलना शुरू करो चलो वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन बढ़ गया इससे तो क्या लिखेंगे टू का स्क्वायर यानी टू टू जा फोर फाइव में से फोर जाएगा तो वन और ऊपर से ये नीचे एक पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आ गया ओके okay. इतना समझ में आ गया अब यहां पे जो नंबर था उसको इसके साथ क्या करवा देंगे प्लस तो टू प्लस टू कितना हो गया फोर ओके नाउ अब इसका लास्ट डिजिट चेक करो स्टूडेंट्स क्या है नाइन तो अभी हमने अब देखा कि नाइन कौन से कौन से नंबर के पीछे आता है एक तो थ्री के पीछे आता है और एक सेवन के पीछे आता है क्लियर चलो सबसे पहले इधर थ्री रखेंगे इसके बाजू में तो आपका नंबर क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री और ऊपर भी थ्री रखेंगे तो फोर्टी थ्री थ्री ज़ा चलो मल्टीप्लाई करो तो थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व मिल गया वन ट्वेंटी नाइन तो यहाँ पर क्या लिख देंगे थ्री थ्री तो फोर्टी थ्री थ्री ज़ वन ट्वेंटी नाइन चलो माइनस करो तो क्या मिल जाएगा आपको जीरो देर फॉर रूट ऑफ फाइव ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा ट्वेंटी थ्री क्लियर है स्टूडेंट्स सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय डिवीज़न मेथड चलो थोड़े और इसके जो सम्स हैं नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव इज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी तो सबसे पहले क्या करेंगे थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नंबर लिख दो अब हम क्या करेंगे दो दो के पैर बनाएंगे पीछे से ठीक है चलो फर्स्ट पैर ये है थर्टी टू स्क्वायर बोलना शुरू करो वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स जो है वो इससे बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे फाइव का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स राइट right? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव चलो इन दोनों का माइनस करें तो थर्टी टू में से ट्वेंटी फाइव माइनस कर दो स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर क्या बचेगा सेवन और ऊपर से ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आ जाएगा तो फोर्टी नाइन नीचे आ गया क्लियर अब ये जो नंबर है उसको इसके साथ क्या कर देंगे प्लस यानी टेन मिल गया आपको क्लियर है स्टूडेंट्स नाउ इसका लास्ट डिजिट चेक करें क्या है नाइन है नाइन कौन से कौन से नंबर के पीछे आता है स्टूडेंट्स अभी हमने आगे वाले सब में डिस्कस किया दैट इज़ थ्री एंड सेवन ये दो के नंबर के पीछे आता है चलो पहले थ्री रखे तो इधर मैं थ्री रखूँ तो क्या नंबर हो जाएगा आपका वन हंड्रेड एंड थ्री तो इधर भी थ्री रखना पड़ेगा तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री इंटू जीरो जीरो थ्री वन जो थ्री हमें तो क्या लाना है सेवन फोर्टी नाइन तो थ्री आएगा नहीं अब क्या रखेंगे सेवन चलो सेवन रखेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा वन ज़ीरो सेवन तो इसको सेवन से मल्टीप्लाई करो सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन फोर सेवन जीरो ज़ा ज़ीरो फ़ोर का फोर सेवन वन ज़ा सेवन आ गया सेवन रखेंगे तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा सेवन तो वन जीरो सेवन सेवन ज़ा सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन चलो माइनस करो तो जीरो 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 देर फॉर लास्ट में क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ये जो नंबर मिला वो उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा दैट इज फिफ्टी सेवन दिस इज आंसर क्लियर है स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन दो दो के ग्रुप बना दिए चलो स्क्वायर बोलो तो वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बढ़ गया इससे तो थ्री का स्क्वायर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स थ्री थ्री जा नाइन चलो इन दोनों का माइनस करो थर्टीन में से नाइन जाएगा तो कितने बचेंगे फोर ऊपर से क्या नीचे आएगा सिक्सटी नाइन ये जो नंबर मिला उसको एज इट इज़ रख देंगे इधर तो थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स अब लास्ट डिजिट चेक करो क्या मिला नाइन तो नाइन कौन से कौन से नंबर के पीछे आता है अभी हमने डिस्कस किया थ्री और सेवन के पीछे चलो सबसे पहले इधर थ्री रखेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका सिक्सटी थ्री तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री थ्री ज़ा नाइन सिक्स थ्री ज़ा एटीन हमें तो ये लाना है तो थ्री आ सकता नहीं है अब क्या बचेगा सेवन इधर हम सेवन रखेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका सिक्सटी सेवन सेवन से मल्टीप्लाई करो सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन फोर Seven six 42 plus forty two forty two plus four forty six clear right so calculating this seven seven 469. 00. therefore square root of one thousand three hundred and sixty nine is equal to thirty seven clear students in this way you can solve the sum now moving to the next question that is question number seven. फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स दो दो के ग्रुप बनाएंगे पीछे से चलो स्क्वायर बोलना शुरू करो तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोटी नाइन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर बढ़ गया इससे तो सेवन का स्क्वायर लेंगे सेवन सेवनज़ा फोर्टी नाइन क्लियर है स्टूडेंस दोनों का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा एट ऊपर से ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे उतार दो सेवनटी सिक्स आ गया अब यहां पे जो नंबर है उसको इधर लिख देंगे तो सेवन प्लस सेवन क्या हो जाएगा फोर्टीन अब लास्ट डिजिट चेक करो स्टूडेंट्स क्या आया सिक्स आया तो सिक्स कौन कौन से नंबर के पीछे आता है कौन कौन से नंबर के पीछे सिक्स आता है स्टूडेंट्स एक तो फोर के पीछे और एक आता है सिक्स के पीछे राइट right? फोर और सिक्स के पीछे सिक्स आएगा क्योंकि फोर का स्क्वायर करोगे तो सिक्सटीन मिलेगा और सिक्स का स्क्वायर करोगे तो थर्टी सिक्स मिलेगा चलो पहले फोर रखेंगे इधर तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका फोर्टीन तो ऑलरेडी था और पीछे क्या लगा रहे हो फोर जो नंबर लगा रहे हो उससे मल्टीप्लाई करो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन कैरी वन ऊपर फोर वन ज़ा फोर प्लस वन फाइव तो यहाँ पे तो आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स राइट तो फोर तो आ नहीं सकता अब क्या रखेंगे सिक्स चलो तो सिक्स रख के चेक करें वन फोर्टी सिक्स सिक्स ज़ा सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स थ्री इधर सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन टू सिक्स वन जो सिक्स प्लस टू एट सेवेंटी सिक्स तो क्या रखेंगे इधर स्टूडेंट सिक्स रखेंगे तो यहाँ पे भी सिक्स एट हंड हंड्रेड सेवेंटी सिक्स माइनस करो ज़ीरो जीरो जीरो देर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ़ फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सेवेंटी सिक्स ये मेथड सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है सबसे फास्टेस्ट मेथड है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने जो आगे दो डिस्कस की उसमें पहले कौन सी डिस्कस की थी प्राइम फैक्टराइज सॉरी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन दूसरी कौन सी मेथड डिस्कस की थी स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये थर्ड मेथड है दैट इज मेथड द क्वेश्चन नंबर एट इज सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन चलो दो दो के ग्रुप बना दिए पहले डिजिट पहले ग्रुप का स्क्वायर बोलो चलो टू एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर नाइन का स्क्वायर एटी वन बढ़ गया तो हम क्या लिखेंगे एट एट सा सिक्सटी फोर दोनों का क्या करेंगे माइनस चलो नाइन में से फोर जाए तो फाइव इधर वन और पूरा का पूरा ग्रुप क्या लगा देंगे नीचे क्लियर है स्टूडेंट्स ओके ये जो नंबर है उसको इसके साथ प्लस करवा दो तो एट प्लस एट कितना हो गया सिक्सटीन अब इसका लास्ट डिजिट चेक करो स्टूडेंट्स क्या है वन वन कौन से कौन से नंबर के पीछे आता है वन और नाइन के पीछे आता है वन चलो सबसे पहले हम वन रखेंगे इधर चलो वन रखे तो वन सिक्सटी वन 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 सिक्सटी वन ये तो होगा नहीं अब क्या रखेंगे इधर नाइन रखेंगे तो वन सिक्सटी नाइन नाइन ज़ा चलो नाइन नाइन ज़ा एटी वन कैरी एट ऊपर नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर प्लस एट करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा सिक्सटी टू तो ये टू तो इधर सिक्स ऊपर नाइन वन ज़ा नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन राइट तो यहाँ पे क्या रखेंगे नाइन इधर भी नाइन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो

चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स लिख दे दो दो के ग्रुप बना दे चलो यहाँ पे क्या रखेंगे टू टू जा फोर यानी टू का स्क्वायर फोर माइनस करोगे तो क्या बचेगा वन ऊपर से नीचे आ जाएगा सेवेंटी सिक्स क्लियर लास्ट में क्या करेंगे इन दोनों का प्लस तो टू प्लस टू फोर अब इसका लास्ट डिजिट चेक करो क्या है स्टूडेंट सिक्स है तो सिक्स किस किस के पीछे आता है फोर के पीछे और सिक्स के पीछे चलो यहाँ पे सबसे पहले फोर रखे तो क्या नंबर बन जाएगा आपका फोर्टी फोर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमने फोर रखा तो फोर से फोर फोर जो सिक्सटीन फोर फोर जो सिक्सटीन प्लस वन सेवेंटीन मिल गया वन सेवेंटी सिक्स तो ठीक है यहाँ पे क्या रखेंगे फोर इधर भी क्या रखना पड़ेगा फोर जीरो 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 देर फोर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर दिस इज दंसर क्लियर है स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर लिख दो पीछे से दो दो के क्या कर देंगे ग्रुप बना देंगे स्टूडेंट्स अब किसका स्क्वायर बोलेंगे वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन एंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बढ़ गया तो थ्री थ्री जन माइनस करो टेन में से नाइन जाएगा तो वन और ऊपर से ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे उतार दो यहाँ पे थ्री है तो इसका प्लस थ्री करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स अब इसका लास्ट डिजिट चेक करो क्या है फोर है तो फोर किसके पीछे आता है स्टूडेंट्स टू के पीछे और एट के पीछे तो सबसे पहले टू रखेंगे इधर तो नंबर क्या बन जाएगा सिक्सटी टू टू ज़ा टू टू ज़ा फोर एंड सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व आ गया वन ट्वेंटी फोर तो कौन सा नंबर रखेंगे टू तो इधर भी टू वन ट्वेंटी फोर जीरो 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 फॉर स्क्वायर रूट ऑफ वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स थर्टी टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन दैट इज थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स दो दो के ग्रुप बना दिए स्टूडेंट्स पहले चलो स्क्वायर बोलना शुरू करेंगे तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव क्योंकि सिक्स का तो इससे बढ़ जाएगा थर्टी वन में से ट्वेंटी फाइव निकालोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट सिक्स ऊपर से पूरा का पूरा ग्रुप निकाल नीचे उतार दे तो सिक्स थर्टी सिक्स आ गया अब ये जो नंबर है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे राइट right? अब इसका लास्ट डिजिट चेक करो क्या है सिक्स है सिक्स किस किस के पीछे आता है स्टूडेंट्स फोर एंड सिक्स के पीछे सबसे पहले यहाँ पे फोर रखेंगे चलो यहाँ पे फोर रखेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा वन हंड्रेड एंड फोर उसको फोर से मल्टीप्लाई करो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन कैरी वन फोर जीरो ज़ा जीरो वन का वन फोर वन ज़ा फोर तो फोर वन सिक्स मिला हमें तो इतना लाना है तो फोर आएगा नहीं अब क्या बचेगा सिक्स तो वन ज़ीरो यहाँ पे क्या रखेंगे सिक्स रखेंगे तो ऊपर भी सिक्स रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करो सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स थ्री सिक्स तो यहाँ पे सिक्स थर्टी सिक्स जीरो 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 देर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स क्लियर नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन दैट इज नाइन हंड्रेड तो ग्रुप बना देंगे ये ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स चलो और ये एक ग्रुप बन गया तो थ्री का स्क्वायर नाइन जीरो ऊपर से पूरा का पूरा ग्रुप क्या आ गया स्टूडेंट्स नीचे ज़ीरो आ गया यहाँ पे इन दोनों का क्या करवाएंगे प्लस तो यहाँ पे प्लस अब लास्ट डिजिट चेक करो इसका क्या है जीरो जीरो किसके पीछे आता है सिर्फ़ और सिर्फ टेन के स्क्वायर के पीछे जीरो मतलब ज़ीरो के पीछे जीरो आता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ज़ीरो तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा ज़ीरो सिक्सटी ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा ज़ीरो ज़ीरो जीरो देर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स थर्टी Right? so I hope you have understood this. So this was the question number one, in which we have discussed which method, division method, to find the square root of given number. Right. Now moving to the next question, that is question number two. Now the question number two of exercise six point four is. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स क्या फाइंड करना है सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना क्या फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट तो आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे वो आपको बताना है लेकिन ब्रैकेट में कंडीशन दी है विदाउट एनी कैलकुलेशन तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या इफ आपके जो डिजिट्स है वो इवन डिजिट्स होंगे इवन डिजिट्स मतलब जीरो टू फोर सिक्स एट इस तरीके के डिजिट्स होंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना है एन बाय टू और अगर डिजिट्स जो है वो ऑड डिजिट्स, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ऑड डिजिट्स मतलब वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो आपको फार्मूला लगाना है एन प्लस वन अपॉन टू ये दो फार्मूला से आप कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो चलो सबसे पहले हम इसका चेक करें कितने डिजिट्स है इसमें स्टूडेंट्स दो दो डिजिट्स है तो ये कौन सा नंबर होगा इवन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन की जगह फॉर्मूला क्या लगाएंगे एन अपॉइंट टू एन की जगह क्या लिखेंगे कितने डिजिट्स है दो तो टू अपॉइंट टू दैट इज वन तो इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्टूडेंट्स वन तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है कितने डिजिट्स आएगा ठीक है तो इसका स्क्वायर रूट जो फाइंड करेंगे वन डिजिट क्लियर ओके चलो वन फोर्टी फोर गिन लो डिजिट्स कितने हैं वन टू थ्री थ्री मतलब कौन सा डिजिट हुआ ऑड तो यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे थ्री तो थ्री प्लस वन अपॉन टू चलो थ्री प्लस वन यानी फोर अपॉन टू तो फोर अपॉन टू यानी क्या आएगा टू तो इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे उसमें कितने डिजिट्स होंगे टू चलो वन फोर्टी फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है किसका स्क्वायर है वन फोर्टी फोर ट्वेल्व का स्क्वायर है स्टूडेंट्स ट्वेल्व तो ट्वेल्व में कितने डिजिट्स आए दो डिजिट्स आए राइट दिस इज आंसर क्लियर आपको स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना है उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे वो फाइंड करना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी नाइनो डिजिट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर चलो फोर मतलब इवन डिजिट्स तो एन की जगह रखो फोर डिवाइड बाई टू यानी आंसर में क्या आएगा टू क्लियर है ओके नेक्स्ट थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो एक दो तीन चार पांच डिजिट्स है कितने डिजिट्स है स्टूडेंट्स फाइव फाइव मतलब और. तो यहाँ पे रखो तो फाइव प्लस वन अपॉन टू फाइव प्लस वन यानी सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री तो इसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे थ्री डिजिट्स आएंगे राइट चलो नेक्स्ट इज थ्री नाइन जीरो सिक्स टू फाइव थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिजिट्स किनो कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मतलब कितने डिजिट्स हुए इवन तो यहाँ पे रखो सिक्स डिवाइड बाई टू सिक्स डिवाइड बाई टू यानी थ्री क्लियर है स्टूडेंट्स सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर टू आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा जिसमें हमने डिविजन मैथड डिस्कस की है राइट right? किसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल Thank you.